हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल, इट्स चिल्ड्रंस डे टुडे। सो लेट्स बेक अ किड्स स्पेशल डिश, चॉकलेट ब्राउनीज। लेट्स स्टार्ट कुकिंग। ब्राउनी के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे बड़ा सा बोल लिया है, उसके ऊपर एक बड़ी सी छन्नी रखी है। हमें सारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट रहते हैं पाउडर वाले, उनको अच्छे से छान लेना है। मैंने यहाँ पे 1 कप जितना मैदा लिया है, ये मेरे पास 200 ml इज इक्वल टू 1 कप ऐसे वाला मेजरमेंट वाले कप है। तो यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा लिया है, उसमें 1/3 कप हम ये मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। 1 कप मैदा, 1/3 कप मिल्क पाउडर, 2 टेबलस्पून जितना मैंने यहाँ पे कोको पाउडर लिया हुआ है, 2 टेबलस्पून जितना कोको पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून जितना बेकिंग सोडा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमें अच्छे से छान लेना है ये छन्नी से। छन्नी की जो प्रोसेस है वो बिल्कुल स्किप नहीं करनी है, कंपलसरी। कोई भी बेकिंग में आपको ड्राई इंग्रेडिएंट्स, मैदा जो भी आप लेते हो, चाहे गेहूं का आटा लो, चाहे मैदा लो या फिर ओट्स पाउडर लो, आपको कंपलसरी छान लेना है। ब्राउनी जो है वो एग्जैक्टली केक नहीं होती, केक जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्पंजी रहता है। ब्राउनी का जो टेक्चर है वो हल्का सा फजी रहता है, हल्का सा च्यूई रहता है, मीन्स वो फूल जाने के बाद धीरे से बैठ जाती है लास्ट में बेक होते टाइम। तो एग्जैक्टली वैसे ही हमें चाहिए। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स को मैं छान लेती हूँ। नेक्स्ट स्टेप, हमें डार्क चॉकलेट को मेल्ट करके लेना है। यहाँ पे मैं एकदम सिंपल वे बता रही हूँ, जिसके पास ओवन माइक्रोवेव नहीं रहते या फिर जो फर्स्ट टाइम करने वाले हैं तो वो गलती से भी क्या बोले, जैसे कि चॉकलेट बन ना हो, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक पतीली में 1/2 जितना पानी लिया है, 1/2 पतीली, और उसको अच्छे से बॉईल करके लिया है जिसकी स्टीम ऊपर आ रही है, और उसके ऊपर ये मैं चॉकलेट वाला बॉल रख रही हूँ जिसमें मैंने 150 ग्राम जितना डार्क चॉकलेट लिया है, लेकिन वो रूम टेम्परेचर वाला चॉकलेट है। मैंने फ्रिज में डार्क चॉकलेट को नहीं रखा था, मैंने यहाँ पे मोर्डे का चॉकलेट यूज़ किया है। आप चाहे तो उसमें आपके टेस्ट अकॉर्डिंग बहुत सारे ब्रांड के चॉकलेट आते हैं, आप जो चाहे वो ले सकते। 150 ग्राम डार्क चॉकलेट में ये मैं 1/4 कप रूम टेम्परेचर वाला बटर ले रही हूँ। ये मेरे पास सॉल्टेड बटर है, आप अनसॉल्टेड भी यूज़ कर सकते, थोड़ा सा बटर थोड़ा सा तेल ऐसे भी यूज़ कर सकते। तो बटर और ये डार्क चॉकलेट को अच्छे से मेल्ट करके लेना है, और हमें ये मेल्टिंग प्रोसेस स्टीम पे ही करनी है। जो नीचे मैंने पतीली में पानी बॉईल करके लिया है उसके स्टीम पे ही ये आप देखेंगे इसका मेल्ट होना चालू हो गया है। अगर पानी थोड़ा ठंडा हो जाए और मेल्टिंग बाकी रहे तो आप फिर से पानी गर्म करके लेना। आप अगर बिगिनर्स है या फिर फर्स्ट टाइम केक या ब्राउनी बना रहे तो इसी मेथड से अगर करेंगे तो चॉकलेट मेल्ट होते समय टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, क्योंकि थोड़ा भी टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो वो चॉकलेट बर्न होने की चांसेस ज़्यादा रहती है। इसके लिए ये बहुत ईजी मेथड है, इसमें चॉकलेट बर्न नहीं होगी। और इसको डबल बॉयलर मेथड से भी आप कर सकते हैं, ये भी सेम डबल बॉयलर मेथड ही है, सिर्फ मैंने ये जो पतीली है पानी वाली वो गैस पे नहीं रखी है, उसका पानी ऑलरेडी मैंने बॉयल करके लिया है और उसी के सिर्फ भाप से स्टीम से ये चॉकलेट मेल्ट हो रही है। इसको मैं कम्प्लीटली मेल्ट करके लेती हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ पे चॉकलेट और बटर कम्प्लीटली मेल्ट हो चुके हैं, एकदम इसका पूरा फ्लोइंग कंसिस्टेंसी आ गई है चॉकलेट की। तो यहाँ पे मैं ये 1/2 कप जितनी शुगर ऐड कर रही हूँ, ये रेगुलर जो हमारी चाय की शक्कर रहती है चाय में डालने वाली, वही मैंने ली है। आप चाहे तो पाउडर शुगर भी ले सकते हैं। तो मैंने 1/2 कप जितनी ये शुगर इसमें ऐड की है। पाउडर शुगर मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि ये हम इसको स्टीम पे थोड़ा सा मिक्स कर रहे तो हीट की वजह से वो ऐसे ही मेल्ट हो जाती है। तो शुगर को थोड़ा सा मेल्ट होने तक हम इसको ऐसे ही भाप पे ही रखेंगे।
शुगर इसमें अच्छी तरह से डिजोल्व हो चुकी है। थोड़े से जो ग्रैनुल्स रहते हैं वो बेकिंग के टाइम एडजस्ट हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं। इसमें ये मैं 1 टीस्पून जितना वैनिला इसेंस ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो इसमें वॉलनट ब्राउनी भी बहुत अच्छे से बनती है ये स्टेज पे, चाहे तो थोड़े से रोस्टेड वॉलनट के टुकड़े या फिर आलमंड पसंद है तो आलमंड के टुकड़े भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें वैनिला इसेंस ऐड किया और अभी तक मैंने ये बॉल को गरम वाली पतीली के ऊपर ही रखा है। अभी मैं इसको अच्छे से निकाल देती हूँ और ये सारा मिश्रण हम, ये जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स है, इसमें मिक्स करेंगे। बहुत ही फटाफट से हो जाती है ये रेसिपी, बच्चों को भी बहुत पसंद है डार्क चॉकलेट वाली, बड़ों को भी बहुत पसंद है और बनती भी बहुत अच्छे से है। गैस पे केक जैसे बेक करते हैं कढ़ाई में या फिर कुकर में करते हैं, बड़े से पतीली में भी होता है, तो उसके 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी पोस्ट किए हुए हैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। और ये आज की ब्राउनी में OTG में बेक करने वाली हूँ 170 डिग्री पे। हमें अच्छे से ये मिक्सचर को कट फोल्ड मेथड से मिक्स करना है। आप चाहे तो चम्मच से भी राउंड राउंड कर सकते हैं, सिर्फ कोशिश करना कि एक ही डायरेक्शन में। ये थोड़ा सा गाढ़ा है, मैं ये स्टेज पे इसमें 1/4 कप मिल्क ऐड कर रही हूँ। पहले मैंने थोड़ा आधा ही मिल्क इसमें ऐड किया, आई थिंक ये स्पून से ज़्यादा बेटर होगा। मिल्क की कंसिस्टेंसी कितना भी बैटर गाढ़ा होना दो, लेकिन मिल्क कभी भी एक साथ नहीं ऐड करना है। मैंने पहले 1/4 कप मिल्क यूज़ किया, देन मैंने ये यहाँ पे 1/2 कप लिया है, उसमें से भी मैं ये आधा डालूँगी, क्योंकि क्या होता है कभी कभी शुगर मैदा ये जो है ना चॉकलेट एकदम से पिघल जाती है। चॉकलेट वाला अगर कोई भी बैटर हो ना तो उसमें कभी भी मिल्क, अगर रेसिपी में 1 कप जितना मिल्क लिया है तो वो कभी भी 1 कप एट अ टाइम नहीं डालना, 1/2 1/2 करके ही डालना, क्योंकि तभी जाके वो बैटर की कंसिस्टेंसी हम एडजस्ट कर पाएंगे। अभी ये जो बाकी का बचा हुआ मिल्क है वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। टोटल मैंने 3/4 कप मिल्क ऐड किया, पहले मैंने 1/4 कप ऐड किया और देन अभी 1/2 कप। तो इसको हम अच्छे से अभी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी वाला बैटर बना के लेंगे। टोटल मैंने यहाँ पे 3/4 कप मिल्क बैटर की कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए यूज़ किया है। आप देखेंगे इसकी कंसिस्टेंसी एग्जैक्टली चाहिए जितनी वैसे ही है, क्योंकि ना ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही एकदम फ्लोवेबल है। सो अब हम इसको ये मेरे पास रेक्टेंगुलर वाला शेप का मोल्ड है। आप चाहे तो ब्राउनी के लिए स्क्वायर शेप भी यूज़ कर सकते हैं। आपको थोड़ी सी साइज अगर छोटी चाहिए कि थोड़ा फ्लैट वाली ब्राउनी पसंद करते हैं तो आप रेक्टेंगुलर मोल्ड यूज कर सकते हैं, जिसमें यही बैटर थोड़ा और स्प्रेड होगा तो उसकी जो हाइट है वो थोड़ी सी फ्लैट हो जाएगी, हाइट कम हो जाएगी। बहुत सारे लोग वैसे ब्राउनी पसंद करते हैं। तो अभी स्पैचुला की हेल्प से मैं इसको इक्वली स्प्रेड कर रही हूँ। एक कॉर्नर वाली एजेस पे थोड़ा सा ज्यादा बैटर गया चलेगा। अब हम इसको टैप करेंगे और 170 डिग्री पे मैंने 10 मिनट के लिए OTG को प्री हीट किया था, उसमें मैं ये 30 मिनट्स के लिए बोथ रॉड ऑन करके बेक करूंगी। OTG में 170 डिग्री पे ये जो नीचे वाली रैक है सबसे, उसमें मैं ये टिन रख रही हूँ फॉर 30 मिनट्स। बोथ रॉड मैंने ऑन किए हैं और गैस पे कैसे बेक करना है उसकी लिंक में, उसके पहले वाले वीडियो जो है केक की, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाली हूँ।
हेल्दी व्हीट बेस यानी कि गेहूं के आटे के बेस के 8 से 9 टाइप के टी टाइम केक का मेरा ऑनलाइन वर्कशॉप भी चलता है, जो कि आपको अवेलेबल रहेगा kitchenschool.in ये वेबसाइट पे, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और इसके साथ साथ कुकिंग, बेकिंग, वेज, नॉन वेज, चाइनीज, पंजाबी, ऐसे बहुत सारी प्रोफेशनल कमर्शियल डिशेस रेसिपीज आपको हमारे कुकिंग क्लासेस में अवेलेबल रहेगी, जो कि पेड कोर्सेस है, लेकिन एब्सोल्युटली ये वर्थ है फॉर योर फूड बिजनेस। सो प्लीज ट्राई। और आपको अगर विजिट करना है तो www.kitchenschool.in ये वेबसाइट पे आप सारे क्लासेस अवेलेबल हैं, वो आप देख सकते हैं। इसको मुझे परफेक्टली बेक होने के लिए 40 मिनट्स लगे, ये डिपेंड्स ऑन योर ओटीजी। ये कम्प्लीटली मैंने ऑलमोस्ट 40-50 मिनट्स ठंडा करके लिया है, एकदम ये रूम टेम्परेचर पे आया हुआ है। अभी हम इसको डीमोल्ड करेंगे। ये जो बटर पेपर है उसको हम रिमूव करेंगे। ये हमारी थोड़ी सी फजी टेक्सचर वाली चॉकलेट ब्राउनी रेडी है। इसको मैं अभी कट करके जो अपना डार्क चॉकलेट रहता है उसको मैंने हल्का सा मेल्ट किया है और उससे मैं इसको गार्निश करूंगी। आप चाहे तो इसको सीधा करके भी सर्व कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी कट कर सकते हैं।